तो यार फार्म पे हूँ और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भैया आप अपने बकरी फार्म का बकरी का वीडियो बनाइए। तो मैं सोचा था वीडियो करने के लिए, लेकिन पिछले 2 दिन से इतना मौसम खराब हो रखा है, काफ़ी हवा, आंधी के जैसा हवा और कभी कभी बारिश हो रही थी। यहाँ पे पूरा फार्म देख रहे हैं ना, पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया है। मतलब बारिश यार एकदम बिल्कुल दिमाग खराब करके रख देता है। पूरा रास्ता में देखो पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है, तो यहाँ पे पूरा दिक्कत सा पूरा दिक्कत। तो बारिश की वजह से पूरा दिमाग खराब हो गया था, ना वीडियो बना पाया ना कोई काम हो पा रहा था। काम भी करवाना था, जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में लोगों को कि परसों से मेरा काम स्टार्ट हो रहा है। काम तो कल स्टार्ट हुआ, लेकिन आज मुश्किल है काम नहीं हो पाएगा क्योंकि पानी भी उधर भर गया। मैं लास्ट में दिखा दूंगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो ईंट भी आ गया है, 1200 ईंट अभी मैंने मंगवाया है। कुछ मट्टी मंगवाना था तो यहाँ से ट्रैक्टर आ ही नहीं पाएगा। यहाँ पे थोड़ा कीचड़ सा हो जाता है, पानी जाम हो जाता है, उसका व्यवस्था भी कर लेंगे। अब हम बात करते हैं हम अपने फार्म के बकरी के बारे में। यहाँ पे मेरी एक बकरी देख पा रहे हो जो काफ़ी नस्ल वाली देसी ब्रीड, यानी जो हम लोग बोलते हैं ना कि ब्लैक बंगाल, वो ब्रीड है। ब्लैक बंगाल कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा ब्लैक बंगाल ब्लैक कलर का ही होगा, अक्सर क्रॉस ब्रीड हो जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर, तो ज़्यादातर कोई ब्लैक भी होता है, कोई पूरा वाइट भी होता है। कान छोटे होते हैं इस तरह के ब्लैक बंगाल के, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ये मुझे ऐसा लगता है कि दांत में मिली हुई है, ओछी कानी लगभग मिल रही है। यहाँ पे दांत भी आप देख रहे हो, क्लियर दिख रहा होगा। और मैं समझता हूँ कि चौथा बार इसने बच्चा दी है। पहला बार एक दी थी, दूसरे बार दो दो दी थी, तीन बार, चौथा बार तीन दी थी। पिछला बार जो ये बच्चा देख पा रहे हो, इससे पहले इसने ये बच्चा दी है, मुझे लगता है ये जनवरी या फेब्रुवरी में, मुझे लगता है फेब्रुवरी में। काफ़ी कमज़ोर बच्चा था, दो मेल था एक फीमेल था, तो हमने एक उस्ताद को दिया था, एक फीमेल यहीं का जो मुनचुन यादव है वो लेकर गया था, तो एक मेल हम लोग रखे हैं। तो फिर से दोबारा बच्चा, चार बच्चा इसने दिए, तो काफी बढ़िया बच्चा है। मैं बच्चा दिखाता हूँ, उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे बिहार के अंदर बकरी फार्म सक्सेस क्यों नहीं है। अगर कोई भी बकरी पे डिपेंड होकर अपना बिजनेस, मतलब जैसे कि बाहर में जो MP महाराष्ट्र राजस्थान बकरी पे डिपेंड होकर के अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं लोग, लेकिन हमारे बिहार के अंदर ऐसा अभी तक कोई ऐसा बकरी फार्म नहीं है जिस बकरी फार्म से, केवल बकरी फार्म से कुछ पैसा कमाकर वो कुछ बढ़िया ओहदा पा लिया हो, बहुत इनकम करके घर बना लिया हो या फिर उससे बिजनेस बढ़ा लिया हो। अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई है अपने बिहार में, क्योंकि उसका कारण क्या है। सबसे पहले हमारे यहाँ क्रॉस ब्रीड जो ब्लैक बंगाल होता है इस पे कोई काम नहीं करता है। लोग सोचते हैं कि दूसरे जगह का लाकर हम काम करें, यही गलती होती है। आजकल अगर आप देखा जाए तो ट्रेडर्स हमारे बिहार के अंदर काफी लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, कुछ ट्रेनिंग वाले बहुत सारे लोग हैं, तो ये होने के बावजूद भी लोग बकरी फार्म कर रहे हैं। 15-20-25 बकरी फार्म बकरी से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में वो बंद हो जाता है। बहुत सारे ऐसे बकरी फार्म बंद होते हैं। देखिए बकरी फार्म भी बंद होता है, गाय का फार्म भी बंद होता है, हर किसी का कारण क्या है। लेकिन मेरे हिसाब से बकरी कैसा फार्म करके स्टार्ट करना चाहिए, मैं उस पर बात करूंगा। आज से लगभग 2 साल पहले मैंने भी लगभग 20-25 बकरी रखा था। जब मैं यूट्यूब करता था साथ साथ में कुछ बकरियां थी हमारे पास, लगभग हमने 20-25 बकरी को करके, और छोटी से जगह होने के वजह से और कोई खास ग्रोथ नहीं समझ में आने की वजह से मैंने भी उसे पूरा फार्म लगभग 70,000 या 75,000 में सेल किया था उस टाइम, 1.5-2 साल पहले। उसके बाद हमने एक गाय दो गाय से स्टार्ट की और फिर गाय पे आए। वजह क्या होता है बकरी फार्म बंद करने का, बंद होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने यहाँ का ब्रीड नहीं पालते हैं, सिरोही ले लेंगे। बहुत सारे लोग सिरोही ढूंढते हैं, बहुत सारे लोग बर्बरी ढूंढते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई साहब बिजनेस उसी का किया जाता है जो आपके मार्केट में सेल हो। एक गुजराती भाई ने मुझे बताया था कि कभी भी बिजनेस उसी चीज का किया जाता है जिसका डिमांड हो। तो हम बर्बरी पालेंगे या सिरोही पालेंगे या फिर ब्लैक बिट्टल पालेंगे, तो हमारे क्या एरिया में लोग उसके खरीदार हैं, सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर हम इस बकरी को पालते हैं तो मैं समझता हूं कि 100 आदमी इसका खरीदार हो सकता है, लेकिन अगर बिट्टल पालता हूं तो बिट्टल का खरीदार मात्र पूरे एरिया के मुताबिक एक या नहीं भी मिल सकते हैं। मैं अपनी अपना खुद का पर्सनली सलाह, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपको कि मैं लगभग सिरोही जो ये मेरा देख पा रहे हो ये क्रॉस ब्रीड है, ये अभी लगभग 50 kg से 60 kg के बीच में होगा इसका वेट, ब्रीडर में रखा हूं। इससे पहले जो हमने कुर्बानी किया था इस साल के पिछले साल 2 साल समथिंग हुआ, उसका वेट लगभग 45-50 kg समथिंग था। उसको मैं पटना बकरी बाजार में बेचने गया था जिसका
दो कस्टमर मात्र आए थे, खरीदार दो कस्टमर आए थे, 15,000 रुपए डिमांड करता था, उसमें भी लोग ज्यादा समझते थे। मैं सिर्फ मार्केट घूमने गया था, मकसद ये नहीं था बेचना। तो मतलब ये है कि हमारे एरिया में, अगर मैं अपना एरिया की बात करूं, तो हमारे यहाँ कुर्बानी, देखिए बकरी फार्म वही करेगा जो बकरी को लास्ट टाइम में तो मरना ही है कहीं ना कहीं, या तो चीक ले ले, या कोई होली पे काट दे, या बकरीद में काट दे, दो ही तीन जगह ये बिकती है, या शादी में बिकती है। तो आपको एरिया ढूंढना है कि आपके एरिया में कैसे खरीदार हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर देखा जाए, सबसे बड़ा बकरी फार्म में देखा जाए तो सबसे बढ़िया मीट किसी बकरी का होता है तो ब्लैक बंगाल का होता है। अगर शादी में हमारे एरिया के मुताबिक देखा जाए तो हर एरिया में मेरे लगभग 50 किलोमीटर अगल बगल सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का डिमांड होगा तो ब्लैक बंगाल का होगा। अब हम बात करेंगे, जब हमारे यहाँ ब्लैक बंगाल का डिमांड है और ब्लैक बंगाल का बकरा अगर खस्सी हम तैयार कर लेते हैं, जैसे कि ये अभी लगभग 6 महीने का होगा, साल का, 1 साल का होता है, तो लगभग 5,000 से 6,000 रुपए में ये बिकता है। 5,000 से 6,000 रुपए में आराम से बिक जाएगा। बकरी भी बच्चा देती है तो इस बार 4 दे दिए, अक्सर बकरी 2 बच्चा से प्लस ही देती है, 3-4 बच्चा देती ही देती है। तो हम ब्लैक बंगाल पे ही क्यों काम नहीं करें? लेकिन फेल कहाँ होते हैं? अगर कोई बंदा ब्लैक बंगाल भी कर रहा है तो उसके बाद भी फेल होगा, वो क्यों होगा उसका भी जवाब दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले अगर आप बकरी फार्म करें तो आप ब्लैक बंगाल का ही करें, और दूसरा आप एक उससे अगर बढ़िया ग्रोथ लेना चाहते हैं तो आप इस तरह का ब्रीडर रखें। मैंने ये दोनों ब्रीडर आप समझ रहे हो, इससे एक बार क्रॉस करवाने के बाद उसको, उस ब्रीडर को तैयार करूंगा, उससे फिर क्रॉस कराने के बाद दूसरा लेकर आऊंगा, इसको मैं खुद कुर्बानी कर दूंगा, हमारे यहाँ तो होता ही है कुर्बानी। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका मैं बच्चा अभी आप दिखाता हूँ क्रॉस ब्रीड का क्या होता है। मेरी एक बकरी मर गई यार कुछ दिन पहले, इसकी माँ थी वो, उसने बच्चा दी, एक फीमेल और एक मेल था, लेकिन तुरंत ही देर बाद वो पता नहीं क्यों जेर नहीं गिराई थी, जेर का हमने दवा भी दिया लेकिन वो एक्सपायर कर गई। किस्मत था, कुछ बैड लक था, लेकिन बकरी तो खुली रहती है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता इनको, लेकिन वो मर गई। इसकी माँ थी, ये फर्स्ट लैक्टेशन में एक बच्चा मेल दिया है, इसका बच्चा भी काफ़ी बढ़िया है, उसी बकरी का जो मर गई उसका बच्चा है ये, तो ये काफ़ी बढ़िया होने वाला है, ये क्रॉस ब्रीड है। कान भी थोड़े आपको बड़े दिख रहे होंगे, मैं नज़दीक से दिखा दूँ, ये देखो थोड़े कान बड़े दिख रहे हैं आपको, और काफ़ी बढ़िया, मतलब ये ब्लैक बंगाल में ही आ जाएगा, आपको वेट पे ही बिकता है, चाहे वो बकरीद में बिके, होली में बिके, या फिर शादी ब्याह में बिके, कोई भी खरीदता है ना तो वेट देखता है, खूबसूरती देखता है। तो आप रंग बिरंगा बच्चा तो हो ही जाता है, जैसे कि आप क्रॉस ब्रीड, जैसे मेरी वाइट है ये, उससे वाइट से होगा, थोड़ा बहुत रंग बिरंगा आ ही जाता है। तो आप सबसे पहले ये ब्रीडर खरीद लें, एक इस तरह का एक बच्चा खरीद लें, वो लगभग 6 महीना साल के अंदर अच्छा से खिलाएं पिलाएं तैयार हो जाएगा। तो आप ब्रीडर इसको क्रॉस कराएंगे, छोटा बच्चे को, अगर छोटा बकरी को क्रॉस कराएंगे तो जब वो बच्चा देगी तो उस टाइम ध्यान देना होगा आपको, जैसे कि वो अभी जिस बकरी की बात कर रहा हूँ ना, तो इस बकरी का बच्चा अटक गया था, मुंडी नहीं निकल रहा था, हाथ डाल के उंगली डालकर निकालना पड़ा, भाई ने निकाला है इसको, मैं अगर कोई बंदा नहीं रहता तो ये बकरी भी एक्सपायर कर जाती, क्योंकि इसने, इस बकरी का बच्चा जो है काफी बढ़िया, मतलब वेट में था, इस वजह से ये दिक्कतें आती है फर्स्ट लैक्टेशन में। इसने काफी आराम से 4 बच्चा दिया, मेरे सामने की बात है, मेरे सामने बच्चा दिया था इसने, तो उसने एक बच्चा दिया। मैं मतलब ये था कि बकरी फार्म अगर आपको करना है तो आपको ब्लैक, आप अगर बिहार झारखंड आप जो एरिया में है, आपके एरिया में जो बकरी रहती है उसी बकरी को खरीदें, दूर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाई साहब फंस जाओगे, बिकेगा नहीं आपका बकरी, मैं एकदम गारंटी देता हूँ। कुछ ट्रेडर्स हैं यूट्यूब पे वीडियो बनवाते हैं, मैंने भी बनाया है बहुत सारे ट्रेडर्स का, वो बनवा लेते हैं, उनका लोग समझते हैं कि काफ़ी फ़ायदा बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कि आप 100-150 बकरी आपके पास, 50 बकरी बच्चा देने वाली होगी तभी जाके आप उसमें कुछ बेनिफिट्स कमा सकते हैं, उसके लिए खर्चा भी लगता है, शुरुआत में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट भी करना होगा, लाने के लिए भी इन्वेस्ट करना होगा। मैं बात कर रहा था कि आप जो एरिया से हैं उस एरिया का आप अपना ब्रीडर रख लें, बकरी रख लें, और ब्रीडर के तौर पे दूसरा रख लें, चाहे आप कोई भी बड़ा साइज का बकरा खरीद लें, उससे काफी बढ़िया होगा। अब हम बात करते हैं कि एरिया कितना होना चाहिए। सबसे बड़ा फेल होने का बकरी फार्म में सबसे बड़ा अगर कोई कारण है हमारे बिहार झारखंड में, वो एरिया है। मैं एक चीज एकदम गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इस पर चाहे कोई शर्त लगा ले मुझसे, हमारे यहाँ जो भी बकरी फार्म होता है, मेरा जो गाय का फार्म
परिणाम देख पा रहे हो, चाहे इतना बड़ा होता है, इस थोड़ा इतना बड़ा होता है। मैं जहाँ तक के मैं समझता हूँ बकरी फार्म के लिए आपको इतना बड़ा, अगर जो मैं 40x40 का एरिया 35 है जो भी है, इतने में आराम से 100 बकरी रह सकती है, सिर्फ रात में रह सकती है, पूरा दिन नहीं। सिर्फ इसको रात में बैठने के लिए ये जगह काफ़ी कंफर्टेबल है। बकरी फार्म मैं कुछ मुझे तो 20-25 बकरियां रखना है। मैं बकरी फार्म कैसा बनाना है मैं अपना फार्म पे बनाऊंगा, अभी नहीं, कुछ मैं पहले गाय पे अपना काम कर लूँ, गाय एक चीज़ में सक्सेस हो जाऊँ उसके बाद मैं अपना बकरी फार्म भी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे भी शौक है 20-25 बकरी रखने का। धीरे धीरे अपने ही बकरियों से वो बड़ा करके इस बार उस साइड में बनाऊंगा, भूसा घर बनाने के बाद एक बकरी का जगह बनाना है 20-25 बकरी का। लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा था कि अगर आपको 100 बकरी का बकरी से कमा कर बकरी पे डिपेंड होकर आपको रहना है, तो आपको इतना बड़ा, एक हमने गुजरात का वीडियो भी बनाया था, इतना बड़ा बकरी का फार्म बनाना होगा सिर्फ रहने के लिए। उसके बाद आपको कम से कम 2-3 बीघा एरिया होना चाहिए, लगभग 200x200 चौड़ा होना चाहिए उसको टहलने के लिए, उसमें पूरा दिन वो बैठे घूमे, या फिर वो आप एक एरिया में एक 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 एरिया को गेड़ कर कोई घास लगा दे, मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको, घास लगा दें, घास में वो एक तरफ चर ले तो दूसरा तरफ लगा दें तो दूसरे तरफ चर ले, मतलब एरिया जितना बड़ा रहेगा आपको खर्चा बिल्कुल कम आने वाला है। जो जितना बांध कर बकरी को रखेगा सबसे ज़्यादा कर खर्चा भी आएगा, आप चाहे कितना भी खिला दो बकरी को वेट गेन नहीं करेगा जब तक कि बकरी घूमेगी नहीं, फिरेगी नहीं और खुद मन से नहीं खाएगी जब तक कि वो ग्रोथ काफ़ी बढ़िया नहीं होता है। ये चीज़ मेरा एक्सपीरियंस मैंने देखा खुद है। तो धीरे धीरे करके ये स्टार्ट कर लें, लेकिन बकरी का फार्म का जैसे कि आप सुपर नेपियर मैं लगा रखा हूँ, ये पूरा दिन जो भी भूंड भूंड सुपर नेपियर देख रहे हो ना, भूंड मीन समझ रहे हो, भूंड पूरा ऊपर का एरिया देखो, यहाँ पे खा लिया है, यहाँ वाला खा लिया है, ये सब बकरी खाया है। मैं बकरी के पीछे अभी तक कोई खर्चा नहीं करता हूँ, खर्चा मीन्स मेहनत, भले से मेरा बकरी की वजह से थोड़ा भूसा खराब हो रहा है, चाहे कहीं पे भी हक देता है, साफ सफाई करने में थोड़ा समस्या आता है, लेकिन मैं बकरी को कभी ऐसा टप में देता नहीं हूँ। अभी मेरे पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5 बड़ी बकरियां हैं और ये इसमें छोटे बच्चे हैं जो मैं लास्ट में दिखाऊंगा। इससे पहले 3 बकरी थी और 3 खस्सी, यानी 2 ब्रीडर 1 खस्सी था, लेकिन एक मर गई। तो खर्चा कुछ नहीं है। अब जैसे कि इनका दाना जो बना हुआ है यहाँ पे, आप दाना देख रहे हो, दाना यहाँ पे है, एक चोकर भी रखा हुआ है, मतलब जब आएगी ये मन में खाएगी, वहाँ पे जाने के बाद हरा चारा खा लेगी, सूखा खाने का मन होता है तो नाद में भी जाके खा लेती है, इस तरफ से खड़ी होकर खा लेती है, कोई समस्या इस तरफ नहीं आता है। तो मतलब मैं मेहनत करता ही नहीं हूँ, बकरी में मेहनत बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन बकरी फार्म उस तरह से बनाना होगा। मैं अगर इस तरह का फार्म कहीं देखूं, या गुजरात में आप ऐसा सर्च कर लोगे गोट फार्म गुजरात करके भी देखोगे, अगर मेरा वीडियो होगा जो कि बिजनेस आइडिया से, आप उसको सर्च करके देख लो, उनका काफी बढ़िया फार्म बना हुआ था, छोटा सा फार्म था, 100 बकरी रखे हुए थे और काफी बड़ा ग्राउंड में वो घूम घूम के चल रहा था। वो पूरा इंटरव्यू सुन लें, कितना फायदा होता है, कैसे फायदा हो सकता है, उस पर उन्होंने पूरा वीडियो बनाया। तो आइए मैं अपने बकरी का बच्चा दिखा दूं, किसका कौन सा बच्चा है वो दिखाता हूं, यहां पे आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले ये 4 बच्चा देख रहे हो ना, ये 1, 2, 3, 4, ये देखो, ये चारों बच्चा इसने मेल दिया है। सबसे बड़ा बात ये है कि पूरा इस बार जो 5-6 बच्चे में से एक, इसकी माँ मर गई बेचारी का, इसको दूध हम लोग बोतल से पिलाते हैं, बोतल वो देखने बढ़िया भाई, इसको बोतल से आदत लग गया है, अभी अभी जस्ट बोतल से पिए है दूध, और मैं अभी आपको दिखाने के लिए खोल दिया, 2-3 दिन पहले ही बच्चा दिए, आपने वीडियो में तो देखा ही था। चारों मेल है, इस बार देखते हैं कितना ग्रोथ करता है। मेल थोड़ा सा, इसको जब हम अंडुल से खस्सी करते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा दुबला होता है, फिर धीरे धीरे जाके वो ग्रोथ करता है। तो चारों मेल है, हम लोग सोचे थे कि 1-2 फीमेल रहेगा, तो ये हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये चारों बच्चा जो है देसी ब्रीड से क्रॉस किया हुआ है, देसी यानी ब्लैक बंगाल से ही हमारा क्रॉस है, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ब्रीडर नहीं था, हमारे पास ब्रीडर नहीं होने की वजह से दिक्कत आया था उस टाइम, लेकिन अभी ब्रीडर हो गया है। तो इस बार मात्र 15-20 दिन में, एक चीज़ और फायदा होता है हमारे बकरी देसी ब्रीड से यानी कि ब्लैक बंगाल से, कि जैसे ही बच्चा दी ना तो 1-1.5 महीना के अंदर ये दोबारा प्रेग्नेंट हो जाएगी, साथ में ब्रीडर रहेगा और तुरंत क्रॉस हो जाएगी। तो एक चीज़ और होता है कि साल में बिल्कुल दो बच्चे, साल में 2 बार बच्चा दे ही देती है, 5 महीने में बच्चा भी दे देगी, हो सब मार्च या अप्रैल में, दोनों अप्रैल के टाइम में, फरवरी में बच्चा दी थी और मार्च या अप्रैल के टाइम में इसने दोबारा प्रेग्नेंट हुआ था और फिर अभी बच्चा दिया। ये है सबसे बड़ा ग्रोथ वाला बच्चा, ये देखो, ये भी मेल है, ये बच्चा फर्स्ट लैक्टेशन में मेल आया है। बच्चा का क्वालिटी आपको उन बच्चों के हिसाब से इसका बड़ा दिख रहा होगा,
और एक होने की वजह से ये काफ़ी मोटा भी होता चला जाएगा। और हमारा जो ब्रीडर देख पा रहे हो ये है, अगला आने वाले फरवरी मार्च में इसका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा और ये लगभग 3 महीने पहले से क्रॉस कर रहा है सभी को। तो हम अपने एरिया में जो भी हमारे एरिया में जो भी अगल बगल गांव के आते हैं उनका मैं क्रॉस भी करवाता हूँ और इसका 200 रुपये चार्ज भी रखा हूँ ताकि इधर भी नस्ल चेंज हो जाए। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोग बकरी फार्म कर तो लेते हैं लेकिन समझ नहीं है कि बकरी फार्म कैसा किया जाता है, बकरी फार्म कैसे करना चाहिए। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ है। बकरी फार्म कभी भी करें तो जैसे हमने बताया कि बकरी फार्म के लिए एरिया काफ़ी बड़ा लें ताकि आराम से वो घूम फिर के एकदम चारों तरफ घूमता रहे, घूम घूम के खाए पिए और आराम से रहे। कभी भी करें तो अपने एरिया के ब्रीड से करें। अगर आपके एरिया में ब्लैक बंगाल है तो दूसरा वाला कोई सा भी ब्रीडर ला के उससे क्रॉस करवा के आप वेट गेन करवा के बेचना बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो दोस्तों यही था, बकरी फार्म पे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि लोगों को समझ हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं अपने फार्म के बारे में। काम यहाँ पे लगवाया था, खड्डा जो देख रहे हैं मिट्टी जो भी थी वो गीली वाली मिट्टी उन्होंने काट दिया, पूरा काट के निकाला, कल ही निकाला और आज यहाँ पे पानी भर गया है। पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ के ऊपर का एरिया खुला होने की वजह से थोड़ा सा झटास, काफ़ी हवा ज़्यादा है, परेशान करके रखा है। सभी गाय को बांध के रखा हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है बांधने की वजह से, सभी गाय को दिक्कत होता ही है। एक बार खुली की आदत लग जाएगी तो खुलने का जो मज़ा है इनको मिल गया है, वो बांधने में काम मज़ा आएगा इनको। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी मात्र 2 दिन का काम है, 2 दिन में हो जाएगा। लेकिन ये मौसम मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 4 दिन तक के रहने वाला है। एक चीज़ और बोलना था मुझे, वीडियो में पहले ही बताना था लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ। बिहार के अंदर महुआ से एक कॉल आया था भाई का, उनका कहना था कि भाई इधर काफ़ी बाढ़ आया हुआ है, इसके वजह से काफ़ी गरीब लोग मर रहे हैं बिना खाने पीने की वजह से, गवर्नमेंट का भी कोई खास ध्यान नहीं है। पता नहीं उनका कहना यही था। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर उस एरिया से हैं तो मैं, अगर आपको ऊपर वाले ने दिया है कुछ, आप उस तरह के सपोर्ट कर सकते हैं तो मैं कहूँगा कि आपसे उस साइड के हैं तो ज़रूर उन भाइयों का सपोर्ट करें जो परेशान हाल हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो बनाने का मकसद, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें और किसानों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।